प्यारे दोस्तों नमस्ते। आज मैं आपको ऐसी बुढ़िया की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो थी तो शिव भक्त पर स्वभाव से बहुत कंजूस थी। बहुत पहले एक बुढ़ी अम्मा रहती थी। वह हर वक्त महादेव की माला जपती रहती थी, उनकी पूजा अर्चना करती रहती, पर उसमें एक बुराई थी। वह बहुत ही कंजूस थी, कभी भी किसी को रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं देती थी। दान करना उसके स्वभाव में नहीं था। उसके पड़ोसी जब उसे कहते, अम्मा अपना परलोक सिधारने के लिए कुछ दान्य पुण्य किया करो, तो बुढ़िया कहती, मैं भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त हूँ, मुझे दान पुण्य की क्या ज़रूरत है, मेरे लिए तो शिवलोक के द्वार खुले हुए हैं। अपने अहंकार में चुरू बुढ़िया नहीं जानती थी कि किसी भी धर्म में दान का बहुत महत्व है और किसी भूखे प्राणी को भोजन कराना बहुत ही पुण्य की बात है। जब पड़ोसियों की बात पर ध्यान नहीं दिया, तब स्वयं भोलेनाथ ने यह वीणा उठाया। उन्होंने सोचा कि बूढ़ी अम्मा मेरी भक्त है, यदि उसे मैंने सही मार्ग नहीं दिखाया तो मेरे भक्त मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। ऐसा सोचकर भोलेनाथ ने एक गरीब भिखारी का वेश बनाया और बूढ़ी अम्मा के घर पहुँच गए। दरवाज़ा खटखटाने पर अम्मा ने दरवाज़ा खोला तो एक भिखारी को खड़ा पाया। उसने भिखारी से बोला, बाबा मैं अभी व्यस्त हूँ, घर का सारा काम काज पड़ा है, तुम बाद में आना। भोलेनाथ वापस लौट गए। कुछ घंटों के बाद वो पुनः पधारे और बोले, माई कुछ खाने को दे दे, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। अम्मा ने फिर बहाना बनाकर उन्हें टाल दिया। भोलेनाथ ने भी हार नहीं मानी। वो रात्रि के समय फिर से आकर दरवाज़ा खटखटाने लगे। अम्मा का दिल भी नहीं पसीजा। वो कहने लगी, बाबा माफ़ करना, सारा भोजन समाप्त हो गया है, कुछ नहीं बचा, बाद में आना। भोलेनाथ निराश हो गए लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अगली सुबह फिर उसके घर पहुंच गए और कहने लगे, कुछ खाने को दे दे माई, माई कुछ बचा खुचा ही दे दे, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, कुछ दया तो करो। फिर से भिखारी को देखकर बूढ़ी अम्मा को क्रोध आ गया। वो जलीकटी सुनाने लगी, तुम्हें शर्म नहीं आती, क्यों बार बार आ जाते हो, जाओ यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। महादेव वापिस चले गए। कुछ दिनों बाद अम्मा का जीवन काल समाप्त होने को आया। यम लोक से दो यम दूत उन्हें लेने के लिए आए। उन्हें देखकर बूढ़ी माँ कहने लगी, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो, मुझे तो शिवलोक जाना है, मैं तो रोज़ सुबह शाम भोलेनाथ का स्मरण करती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ। यमदूत बोले, केवल शिव जी की पूजा करने से कुछ नहीं होता है, साथ में अच्छे कर्म भी करने पड़ते हैं, तूने कौन सा पुण्य का कार्य किया है। अम्मा हताश होकर बोली, ठीक है मुझे सिर्फ एक बार महादेव जी के दर्शन करा दो। तो यमदूत बोले, अच्छा ठीक है, और उन्हें शिवलोक लेकर पहुँचे। महादेव को देखते ही अम्मा उनके पैरों में गिर पड़ी और गिड़गिड़ाने लगी, प्रभु मैं तो दिन रात आपकी माला जपती थी, आपकी पूजा पाठ करती थी, फिर शिवलोक में प्रवेश करने का अधिकार मुझे क्यों नहीं मिल सकता। महादेव ने उसे समझाते हुए कहा, अम्मा तूने मेरी भक्ति की वो काफ़ी नहीं, दान पुण्य करना सबसे बड़ा धर्म होता है, लेकिन तुमने अपने जीवन काल में अन्न का एक दाना भी किसी को नहीं दिया है, किसी भूखे को भोजन नहीं कराया। मैं तेरे द्वार पर चार बार आया पर तूने हर बार बहाना बनाकर मुझे भगा दिया, तेरी कंजूसी ही तेरे शिवलोक के रास्ते की बाधा बनी है। अम्मा के आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरी आंखों पर पर्दा पड़ा था, एक मौका दे दीजिए। महादेव को उस पर दया आ गई। वे बोले, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें वापस एक अवसर देता हूँ, तू धरती पर जा, वहाँ जाकर पुण्य का कार्य समाप्त कर, 7 दिन अवधि तेरे पास है, इस अवधि का जितना उपयोग कर सकती है कर ले। बुढ़िया खुश होकर अपने पुराने शरीर में प्रवेश कर अपने घर में लौट गई। अब तो उसका जीवन ही बदल गया। वह रोज दान पुण्य करने लगी। कोई भी उसके दरवाजे पर आता तो हलवा पूरी और तरह तरह के पकवान बनाकर प्रेम से खिलाती। रोज़ अच्छा अच्छा भोजन बनाकर भोग मार्ग में बैठे भिखारियों को खिलाने जाती। एक सप्ताह तक बुढ़िया ने खूब पुण्य कमाया। मरने से पहले घर की सभी वस्तुएं, बर्तन वस्त्र अनाज, यहाँ तक कि सोने के गहने भी सभी लोगों को बांट दी।
मृत्यु का समय आते ही उसने देह